प्राइम टीवी लखनऊ। यूपी में निकाय चुनाव का दौर चल रहा है। सभी राजनीतिक दल इसमें लोकसभा चुनाव का भविष्य तलाश रहे हैं कि वो आखिर किस मुहाने पर खड़े हैं। पार्षद प्रत्याशी लगातार अपना जनसंपर्क अभियान साधे हुए हैं। इस कड़ी में देखिए लाल बहादुर शास्त्री वार्ड संख्या 15 से कांग्रेस से प्रत्याशी मोहम्मद आदिल से प्राइम टीवी की खास बातचीत। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन करने के बाद लगातार वो अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क के माध्यम से जनता को लुभा रहे हैं, जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। और इस बार वोट के माध्यम से वो प्रत्याशी अपील के माध्यम से वोट के माध्यम से जनता से गुहार लगा रहे हैं कि इस बार उनको जो है चुन के जिताए ताकि वो बदलाव ला सके। इसी बीच हम लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में हैं और जनसंपर्क के बीच ही कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद आदिल हमारे साथ हैं जो जनसंपर्क के दौरान लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपको अगर जनता यहाँ चुनती है तो आप किस प्रकार का विकास करेंगे? सबसे पहले तो मैं बताऊँगा अपने क्षेत्र को सबसे अच्छा स्वच्छ बनाऊँगा और जो विकास जितना हमसे हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा विकास का काम करूँगा और अगर जीता तो। पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले तमाम पार्षद सभासदों को आपने देखा है, आप यहाँ के नागरिक रह चुके हैं, यहाँ की जो स्थिति है उससे अच्छी तरीके से जानते हैं, कूड़े की जो व्यवस्था है आप उससे अच्छी तरीके से परिचित होंगे, और क्या क्या समस्याएं हैं जो यहाँ पे जो स्थिति खराब करती है, लोगों के लिए दिक्कत करती है, इनको आप किस प्रकार से दूर करेंगे? सर मैं देख रहा हूँ लगातार आप तो जा नहीं सकते मेरे साथ, रोडें देख सकते हैं किस तरह के गड्ढे में रोज़ दुर्घटना हो रही है और रोज़ मैं शिकायत करता हूँ पार्षद को, मतलब अभी की बात नहीं पहले से बता रहा हूँ। और सीवर भर रहा है हमारे मोहल्ले में, कोई ध्यान देने वाला नहीं, कूड़ा ऐसे पड़ा है कोई ध्यान देने वाला नहीं, इस उससे मैं खुद खड़ा हूँ कि मैं जूतूंगा तो अपने वार्ड का बढ़िया से अच्छे से स्वच्छ बनाऊँगा। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आने वाले समय बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में नालियों की समस्या काफ़ी बनी रहती है, तो नालियों की स्थिति क्या है आपके वार्ड में? बहुत बेकार है, पूरी नालियाँ भरी हैं और कई कई दिन कई कई महीनों तो ऐसी कूड़ा उठता तक नहीं है, उसमें भरा रहता है। मतलब हम लोग अभी 10-15 दिन पहले मैंने उस पार्षद को बोला कि इसको सफाई कराइए, तो कम से कम 15 दिन लग गए उसको सफाई कराने में। वार्ड वाले मुझसे कह रहे हैं कि सर इसको कराइए, तो मैंने उसको करा के दिया, अपने निजी उससे करा के दिया। ये बताइए कि जिस प्रकार से ये वार्ड लाल बहादुर शास्त्री वार्ड है, परिसीमन के बाद ये वार्ड चेंज भी हुआ है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रात में जो छुट्टा पशु हैं उनकी समस्या होती है, रोड पे छुट्टा पशु काफ़ी घूमते रहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जीतने के बाद का आप कराएंगे, क्योंकि ये स्थिति जो है ख़तरनाक बनती जा रही है? जी जी बिल्कुल वो कराएंगे। अभी देख अभी जस्ट अभी 5 मिनट पहले यहीं पर एक्सीडेंट हुआ इसी रोड पर, अभी हम लोग ने उठाया, ये एक लड़का ये है, इसने अभी तुरंत उठाया, अभी हम लोग तुरंत उसको किनारे ले जाके उसको सही करके रखा, तो वो जितना हम लोग से बेहतर होगा उससे बेहतर करेंगे काम। इससे पहले भी चुनाव तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस वार्ड में छुट्टा पशु की समस्या भी बनी हुई है, गंदगी की समस्या बनी हुई है, कांग्रेस के पार्षद पद के प्रत्याशी यहाँ पे हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं किस प्रकार से समस्या यहाँ पे व्याप्त है और किस प्रकार से वो जीतने के बाद इसका निदान करेंगे। बिजली की समस्या जिस प्रकार से बनी हुई है, स्ट्रीट लाइटों की समस्या जिस प्रकार से बनी हुई है, उनका निवारण किस प्रकार से करेंगे, यार अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या क्यों समस्याएँ यहाँ व्याप्त हैं और क्या कुछ योजनाएँ जो है जो सरकार की योजनाएँ यहाँ चलती है उसको किस प्रकार से धरातल स्तर पर आप ले चलेंगे। जो भी योजनाएँ हमारे जो नगर निगम की उसमें आएंगी हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, जितना भी उसके नगर निगम में जो मेरे चुनाव के उसमें आता है वो सब हम करेंगे। मेरा मतलब कि जैसे कि नगर निगम की जितनी भी समस्या का जो भी निकाय चुनाव से है संबंधित वो सब हम काम करेंगे अगर हम होते हैं तो। आप जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता कैसा रिस्पॉन्स आपको कर रही है? जनता अच्छा रिस्पॉन्स कर रही, जनता ये भी बोली कि आप शांति से कर रहे हैं और बहुत मतलब जैसे कि लोग करते हैं ज़्यादा लोग को ले जाके, हम 3-4 लोग कहते हैं कि हमको देखिए किसी का वो नहीं, आप हमको अगर बनाते हैं तो हम आपके वार्ड में काम करेंगे, विकास करेंगे और बाकी आपकी मर्जी। प्राइम टीवी के माध्यम से आज अपनी क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि अपना अच्छा और निजी और अपना जो है नेता नहीं बेटा चुने, पार्षद के रूप में बेटा चुने, बस ये कहना चाहता हूँ। तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री वार्ड नंबर 15 से मोहम्मद आदिल जो कांग्रेस से प्रत्याशी है, उन्होंने साफ तौर पर अपील करते हुए क्षेत्र की जनता से कहा है कि आप अपना पार्षद नहीं बल्कि अपना बेटा चुन रहे हैं। इस क्षेत्र में तमाम तरह की समस्याओं को उन्होंने जिक्र किया और जीतने के बाद उनके निस्तारण की भी बात की। लखनऊ से विजय के साथ विवेक शाही प्राइम टीवी। निकाय चुनाव की तारीख जैसे